And what makes it even more historic, ladies and gentlemen, is that throughout the tournament, India lost zero games. So they have won it all. And at last also, we have successfully managed to lift the cup. What an emotional moment it was. In fact, the visuals that we are flashing on your screens are telling the story of what transpired yesterday themselves. We don't have to speak very much. You can see the celebrations breaking out there throughout the country. People actually taking it to the roads with their tricolor, their flags, in fact, their firecrackers. There was celebration all through the country. We have got a reaction also from Hardik Pandya. Let's take a look at what he has to say. First thoughts after knowing that it's your last over and on the winning side so many years later? I mean, feels obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been, you know, this is something which was always a dream, and it's, you know, the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Just very, very happy for the group, and yeah, finally got this. Hardik, पिछले कुछ महीने Hardik Pandya होना आसान नहीं था, बहुत tough रहे आपके लिए. वहाँ से ये जो देर, आपको लग रहा है कोई ऊपर वाला आपके script लिख रहा है? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर. बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई. किसी को एक पर्सन पता है नहीं Hardik Pandya है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है. बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और यू नो चीज़ें जवाब दे सकती हैं. और मैंने वही जब जब वक्त भी मुश्किल था तभी की चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, यू नो आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है. और मुझे मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ. आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू नो अवर फैंस और एनीवन एवरीवन एल्स टू लर्न एज वेल दैट यू नो इरेलीवेंट क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में. और आई एम श्योर वो सेम लोग काफी खुश होंगे. और बस बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं. Hardik, जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या, 2016 में भी आपने एक आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे, डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय, बिकॉज वी गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स. आई थिंक मैं, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, टू सेम टाइम आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट, बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते हैं ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट. ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़ वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता. तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा है नहीं. प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं. यू नो पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में, आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था. और बोलते मैंने पहले ही बोला था, यू नो लक हमेशा जो मेहनत करते उनके ऊपर आता है. सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सब नीचे रखूं और हंसते रहूं, और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक. सो बहुत खुश हूँ. ये जो पूरा टूर्नामेंट है इसमें आपने पहले लेग में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग भी की, इसमें तो आपके यहाँ पे आके. So that was Hardik Pandya, ladies and gentlemen, walking us through his journey. He said and emphasized on that it's not easy being Hardik Pandya. From the past couple of years, he has been facing the brunt of online trolls, of people for not being exactly at par with his form. But this time around, he proved everybody wrong. He said that it's fine. You should not be speaking much, but you should be showing through your performance. And he showed. What an electrifying match, ladies and gentlemen. Remember, apart from that, something very historic that happened is that India is now the third team to win the Men's T20 World Cup for the second time, having won, of course, the inaugural 2007 edition of this particular match. West Indies were the first team with two titles, having won in 2012 and 2016, while England won in 2010 and 2022.
Now, India's total against South Africa yesterday is the highest by any team in the final of the Men's T20 World Cup also. Australia's 173 for 2 in a run chase against New Zealand in 2021 was the previous highest. We've got a couple of more.